हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आम वीडियो रे डेमो आज क्वेश्चन अपलोड करी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एनवायरमेंटल स्टडी रो जो फोर्थ सेमिस्टर रे जो एग्जाम हबो जो 9 तारीख रे रही आउ मे बी आफ्टर 1 वीक पर हबो एग्जाम। ओके, तो यूनिट 1 रू यूनिट 5 टोटल मुझे ये जो ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन देदेवि। आ बहुत पिला मते कमेंट कर सर ये जो एनवायरमेंटल स्टडी रो जो यूनिट 3 पाखु सर 3, 4, 5 सर क्वेश्चन नहीं आप प्लीज अपलोड करूँ। सो एक्चुअली आई यू नो ड्यू टू माय हेक्टिक वर्क सो आई एम नॉट एबल टू अपलोड द यू नो अपलोड द ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो। सो आई एम बेगिंग यू एंड आई एम कंप्लीटली आई बेग योर पार्डन दैट बिकॉज ऑफ नॉट आई एम एबल टू अपलोड दोज वीडियोज। तेनाली प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू जो मैंने चाहूँगी एज पर योर कन्वीनियंस सो यू कैन बाय द पीडीएफ नोट्स बिकॉज ऑफ जो यू नो मैक्सिमम स्टूडेंट्स से ऑलरेडी पीडीएफ परचेज कर सारे तेनाली पीडीएफ रे एवरीथिंग इज अवेलेबल। यू कैन सी लाइक स्क्रीन रे आसो आप देखिपे यूनिट सब यूनिट 3, 4, 5 सब रही। ओके, टेनसन हाँ ना अल सब पेपर एवेलेबल अच्छे बस 450 रही अल पेपर ना गोटे पेपर ना 150 जानते सो कंटाक्ट करेंगे। चलो ईवीएस देखो फोर्थ सेमिस्टर आज यूनिट 1 कह मीनिंग नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, एंड यार ओनली दुटा क्वेश्चन रही है गोटे इंटीग्रेशन और स्ट्राटेजीज टू इम्प्लीमेंट द स्वच्छ भारत अभियान इन स्कूल एंड अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दुईटार आप पढ़ी जाते दुईटार 100% आप गोटे पाइबे इधर शॉर्ट नोट्स और इधर गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, यूनिट 2 पढ़ाई आसतु यहाँ बहुत इंपोर्टेंट देती यूनिट 2 फर्स्ट क्वेश्चन गला मीनिंग इंपोर्टेंस एंड एम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है। पुणि कहे मीनिंग कॉजेस फैक्टर्स एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, दुईटार आप गोटे निहाती गोटे पाइबे। तो यहाँ हूँ शॉर्ट नोट्स ना हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, ये जो 4 बर्तन पढ़े मुझे यूनिट 1 दुईटा यूनिट 2 दुईटा यहाँ सब हूँ लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स देखते मुझे कहूँ शॉर्ट नोट्स देखते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन तीनटार आप सियोर पाइबे शॉर्ट नोट्स लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ आसवर चांसेस होती। ओके, जदि लॉन्ग क्वेश्चन देखते जो प्रकार तीन टू जो पोल्यूशन आसू आपन तर लिखबार स्ट्राटेजी जानवा दरकार। देखो फर्स्ट आप लिखे मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे तार डेफिनेशन तापर तार कॉजेस लिखे तापर तार इफेक्ट लिखे मैंने ये जो ड्यू टू लैंड पोल्यूशन द्वारा कौन कौन इफेक्ट होती देन तार सॉल्यूशन प्रिवेंशन लिखे ये 4 पॉइंट आप मीनिंग कॉजेस इफेक्ट ये जो सॉल्यूशन प्रिवेंशन 4 पॉइंट लिखे बस आप हेल्प कलुँ ना कहली आपको। ओके, नेक्स्ट हूँ ग्रीन हाउस एंड इट्स कॉजेस ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है ग्रीन हाउस किंवा ओजोन लेयर डिप्लेशन माइनिंग एसिड एंड डिफोरेस्टेशन ए तीन टार आप गोटे पाइबे आ दुटार आप गोटे पाइबे। ओके, नेक्स्ट पढ़े आस देख यूनिट 3 कही कनसेप्ट नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन सेकेंड गला फैक्टर्स रेस्पोन्सिबल फॉर फ्लोरा एंड फौना एक्सटिंक्शन ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है। थर्ड गला एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स टेकन इन इंडिया ये रही है इंपोर्टेंट ना तो पर मैंने किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स रही है भितर शॉर्ट नोट्स आसपे ये सब रही है पीडीएफ नोट्स। ओके, एंड यूनिट 4 कला जे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड इट्स एडवांटेजेस यूनिट 4 कला जे वेस्ट मैनेजमेंट कौन यहाँ गोटे एक्चुअली बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है स्टार मार्किंग करुच्ची बहुत बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है लॉन्ग क्वेश्चन एटा रही है। ओके, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी या डिस्कस करने कोई दुईटा पॉइंट गोटे सोलार एनर्जी आ गए विंड एनर्जी। नेक्स्ट कल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन तार एडवांटेजेस विषय अच्छा 3 मूवमेंट अच्छी साइलेंट वैली मूवमेंट चिपको मूवमेंट आ गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ये 3 निहाती आप गोटे क्वेश्चन पाइबे। ओके, स्क्रीन साइड रे देखते सब आसपार थो जो ये सब रही पीडीएफ रो जो मैंने चाहूँगी नंबर ये नंबर कंटाक्ट करके परचेस करूँ शीघ्र स्ट्राटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, एंड लास्ट गला यूनिट 5 रे ये 3 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पाइबे एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल हो किंबा सेकेंडरी लेवल हो किंबा हायर एजुकेशन लेवल हो। ओके, एंड एटा गोटे हूँ गोटे 5 मार्क्स आप सियोर पाइबे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग मेथड एटा गोटे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर इन एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, मु नेक्स्ट चैप्टर जो सब रही जो 3 पेपर तार भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मुझे अपलोड करदेवि तो प्रिपेरेसन ठीक से कर जो जमी कहली स्क्रीन में जो नंबर आसट्राक्ट करके जो मैंने चाहो पीडीएफ से परचेस करेंगे बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।